दुरूद सलाम यानी सलात व सलाम किस जुबान का वर्ड है और इसका मतलब और मफहूम भी बता दें। दुरूद जो है ना, ये बेसिकली तो फारसी जुबान का लफ्ज है किसी के लिए, यानी दुआए रहमत करना। अरबी में जो इसके लिए प्रोप्रिएट वर्डिंग आती है वो सलात व सलाम है। सलाह दुआ करने को मुख्तलिफ माने, बार मैं आपको इस्तलाही माने बता रहा हूं। और सलाम उर्दू में भी इस्तेमाल होता है किसी के लिए सलामती की दुआ करना। तो दुरूद शरीफ बेसिकली ये है कि आपने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए दुआए रहमत करनी है। और इसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में दिया है, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। तो इसका हुक्म आया और बाकी अहादीस में तो फिर दुरूद शरीफ के जो फजाइल आए हैं वो तो सर जिंदगियां चाहिए उसको बयान करने के लिए। अफजल तरीन नफली इबादात में से सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, सलात पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उस पर 10 दफ़ा दुरूद पढ़ेगा, 10 दफ़ा रहमतें उस पर नाजिल करेगा। तो अल्लाह की रहमत 10 दफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसी तरीके से इसी की एक्सप्लेनेशन सुनन नसाई में एक हदीस है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप इस पे क्या खुश नहीं हैं कि जो भी आपका उम्मती एक दफ़ा दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पे 10 दफ़ा दुरूद भेजेगा और जो एक दफ़ा सलाम पढ़े उस पे 10 दफ़ा सलामती भेजी जाएगी। और सुनन नसाई में एक और हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 दराजात बुलंद कर देगा और उसके 10 गुना माफ़ कर देगा। और एक तरीक में आता है कि उससे 10 नेकियां भी अता करेगा। हमारी कई इबादात का हिस्सा दुरूद शरीफ को बना दिया गया। जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, कंजूस है वो शख्स, मौला अली ने ये रवायत की है, जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद में हदीस है, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए वो मुझ पर दुरूद ना पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और ये तो डिटेल आती है फिर वो मुस्तबिल हाकिम में, नबी अलैहिस्सलाम वो एक सीढ़ी पे चढ़े कहा आमीन, दूसरी पे, तीसरी पे, तो सहाबा ने कहा ये आपने आमीन क्यों कहा, तो कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स, नाक खाक आलूद हो उसकी कि जो आपका जिक्र सुने और दुरूद शरीफ ना पढ़े, तो मैंने कहा आमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दूसरी सीढ़ी पर उन्होंने कहा कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो माँ बाप दोनों को या दोनों में से किसी एक को बूढ़ी हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके, तो मैंने कहा आमीन। और तीसरी सीढ़ी पे उन्होंने कहा जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मगफरत ना करवा सके तो तबाह बर्बाद हो जाए वह शख्स, तो मैंने कहा आमीन। मुस्नद अहमद में एक बड़ी अजीब हदीस है, रिक्कत अंगेज, नबी इस्लाम ने फरमाया जो लोग किसी मजलिस में शरीक हों और बग़ैर अल्लाह का जिक्र और दुरूद किए, किसी भी मजलिस में जिक्र और दुरूद के बगैर वहां से उठ जाएं, ऐसे लोग जन्नत में भी दाखिल हो गए ना, वहां भी उन्हें हसरत होगी उस मजलिस पे जो बगैर जिक्र और दुरूद के थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो ये तो इतने फजाइल हैं कि आप बयान करते जाएं करते जाएं, ये तो यानी ना ख़त्म होने वाले हैं, इनका कोई एंड नहीं है। तो दुरूद और सलाम, सलात व सलाम, ये अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और इस हवाले से अगर आप बुखारी मुस्लिम खोलें ना तो आपको एक हदीस मिलेगी, जब ये आयत नाजल हुई ना इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी, तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हमने आप पर सलाम तो सीख लिया है, जो बुखारी मुस्लिम में आता है तशहुद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, आप ज़रा दुरूद भी सिखाएं। बुखारी के एक तरीक में आप हमें दुरूद सिखाएं जो हम मोहम्मद और अहल बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ें, तो फिर आपने दुरूद इब्राहिमी तालीम किया। और मुस्लिम के एक तरीक में आते हैं आप थोड़ी देर खामोश हो गए, सहाबा कहते हैं
اتنی دیر خاموش رہے کہ ہم نے یہ گمان کیا کاش سوال کرنے والا سوال نہ کرتا. پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ وہ سوال کرنے والا کدھر ہے جو درود کا سیگا پوچھ رہا تھا. پھر آپ نے درود, یعنی آپ علیہ السلام پہ وہی نازل ہوئی. یہ درود ابراہیمی نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہی کے ذریعے تعلیم فرمایا. دیکھیں نا جی, درود ابراہیمی وہی کے ذریعے بتایا گیا, اس لیے درود ابراہیمی سے محبت کیا کریں. یہ کوئی وابی درود نہیں ہے. درود نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ, اور سید بھی نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ. سید سید ہوتا ہے اور اسے سید ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, سنی شیعہ کی تفریق سے اوپر. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا, اور اسی کی ٹرانسلیشن ہم نے آج کل کر دی ہوئی ہے. کیا کہ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ اسی کی ٹرانسلیشن ہے اپنی فارم میں. ٹھیک ہو گیا جی.